देखिए गाइस, ये सुपर एक्सल है 70 cc। ये गाड़ी थी, सीज मार गई है। ये अंकल आए हैं हमारे पास, इसका आज हम पिस्टन डालेंगे। अभी तो खोल ही रहे हैं, काम जारी है। इसका देखेंगे, रिंग डाले काम होगा तो रिंग डालेंगे, नहीं तो पिस्टन डालेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक करिए वीडियो को, चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो मैं आपको बताऊंगा आज इसी के बारे में कुछ, जितना मालूम होगा। ये रहा इसका हेड, जिन भाई को नहीं दिख पता कैसा होता है इसका हेड, तो देखिए ये रहा हेड। ये सिर्फ पलक से ही चलता है, वीडियो में बने रहिए। तो देखते जाइए, देखो पूरी गाड़ी देखो ये है। अगर कोई काम कराना है तो बाबा ऑटो पे आइए। देखिए ये रही दुकान। ये भाई है सुनील, बाबा ऑटो का बहुत पुराना बंदा है, बहुत पुराना बंदा है भैया, बहुत देखिए जानकारी है। और ये रहे अंकल जिनकी गाड़ी है। देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में, इंटरनेट में भी मिलेगा। और देखिए तो इसका सिलेंडर भी निकाल ले हैं, आपको हम दिखाते रहेंगे सब कुछ। देखिए क्या हुआ, रिंग टूट गई है, ये देखिए पिस्टन रिंग टूट गई है। उसका एक जो बैरिंग होता है, करिए स्टॉप पे कर, थोड़ी ऊपर कर, देखिए ये देखो कितना प्ले आ गया है पिस्टन के अंदर। और देखो रिंगे हो गई हैं, गैप आ गई हैं, रिंगे टूट गई। देखिए गाइस, तो इसी वजह से ये पिस्टन इसका चेंज होगा और सीज मार गई है गाड़ी। और ये ना इसका सिलेंडर, देखिए गाइस ठीक है। लाइक करना वीडियो को, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। देखिए गाइस, तो ये लॉक निकाल लें हम। देखिए लाइक करना वीडियो को, चैनल को कर देना सपोर्ट करते रहिए गाइस, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। देखिए तो ये जाम हो गया, निकल नहीं रहा है, तो देखो हम निकाल लें धीरे धीरे। तो मैं दिखाऊंगा पिस्टन का हाल कैसा है। देखिए गाइस, ये देखो पिस्टन, देख रहे हो आप क्या हाल हुआ है इसका। इसके दो तीन कारण है, इसका ऑयल नहीं था और क्या कहते हैं इसका काम नहीं था, और छोटे मोटी कमी से हो जाता है ऐसे ही। जिस हमारे देखिए, ये देखिए इसकी रिंगें टूट गई हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। और ये देखिए इसका क्रैंक चेक करते हैं, देखो तो इस गाड़ी प्ले आ गई है बहुत, देखो अंदर बाहर दोनों की साइड प्ले आ गई है। इंजन का ही खर्चा मांग रही है ये, तो देखिए काम चलाए दे, अगर काम चलता है तो आज के। देखिए गाइस, तो लेकिन अगर खुली है तो ये हमारे वंटी उस्ताद जो महीने हफ्ते में 4 छुट्टी मारते हैं, ऐसे करके ऐसे दबा दियो। देखिए गाइस, तो इसका हेड हम साफ करेंगे आज। मैं आपको कह रहा हूँ लाइक करना वीडियो, सपोर्ट करना, देखते रहिए मेरे चैनल पे। आज इसको हम पूरा वीडियो आपको बना के दिखाएंगे, क्या क्या हम काम करते हैं। भाई वीडियो बनाए तो देखिए कि वीडियो में बने रहे गाइस, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप मैंने क्लच खोल दिया इस साइड का, अब इसके बाद हमको अब इंजन मैगनेट साइड उतारना है। तो वीडियो में लाइक करना, वीडियो को सपोर्ट करना, सचिन मैकेनिक को। तो इसका हम क्लच भी पूरा इंजन उतार रहे गाइस, वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे आपको। अच्छा वहाँ था, तो देखिए सुपर एक्सल का क्रैंक। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये भी
देखो ये रहा क्रैंक इसका, बैरिंग तो डलेंगे ये देखिए। देखिए खराब हो गया ये, इसी को ही क्रैंक भी रिपेयर होगी और पिस्टन भी डलेगा। तो देखिए ये रहा इसका इंजन, देखो सब बैरिंग वरिंग सब डलेंगे इसके। देखिए गाइस ठीक है, तब ये गाइस देखिए खराद पे जाएगा, खराद पे से काम हो जाएगा तब इसकी फिटिंग होगी, तब इसकी वीडियो आप बना के आपको सबको दिखाएंगे। मैं ले आऊँगा जा। देखिए गाइस तो बैठा रहे हैं इंजन इसका, ये सारा सामान देखिए, इसका सील बिठा रहे हैं हम और इसका इंजन बांध दिया है, अब इसका हाफ इंजन बाकी है, फुल इंजन बांध दिया है। चलो अब इसका मैग्नेट फिटिंग करने जा रहे, देखते रहिए, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा वीडियो में, देखते रहो बस आप लोग। मैं तुझे वो बैठा जब इस चैम्बर बैठा रहा था ना, तब बोलना चाहिए था तुझे। देखो देखिए गाइस तो बैठा रहे हैं, सब मैग्नेट पूरा कंप्लीट हो गया है, और इसका हम क्लच फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम हेड और पिस्टन का हाफ इंजन का काम करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर बाहर की आवाज़ ज़्यादा परेशानी हो रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए मेरी वॉइस की तरफ ध्यान देना, और मैं जो बताऊँगा उसके देखते रहना वीडियो में। देखिए कैची प्लर से अगर आप टाइट करें तो कैची प्लर लगा के बढ़िया से करना टाइट, देखिए देखिए हो गया। ये हम फैन कवर लगा रहे हैं, ये इंजन को ठंडा रखता है फैन कवर, इसको जरूर लगाएं, और टूटा फूटा रहे तो चेंज कर दिए। देख बने रहिए वीडियो में। तो देखिए फ्लूड वाल है, कार्बोरेटर की साइड लगता है, इसको हम लगा रहे हैं, साफ करके लगाएं, इसे हमेशा साफ करके और बढ़िया से लगाएं, पहले इसी से गाड़ी देखिए। तो ये है फ्लूड वाल, इससे कार्बोरेटर से पेट्रोल सप्लाई होता है तो गाड़ी स्टार्ट होती है। लड़के नहीं है तो बात, लड़के नहीं है तो बता ही, मैं देखो गाइस अब ये क्लच आ गया, क्लच को हम फिट करेंगे, पहले सील लगाएंगे, पहले ये सील लगाएंगे क्लच सील। देखो जब इंजन खोले तो सील वगैरह सारी चेंज कर दें कि उससे लीकेज ना हो, अगर ये सील नहीं लगी ख़राब भी होती तो गाड़ी धुआं भी जल्दी देती है। एक और बात है, और सब बैरिंगों में ग्रीस लगा के लगाया करें कि ज़्यादा आवाज़ ना करें। तो बने रहे वीडियो में, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा एक एक चीज़। तो देखिए और इसके ऊपर ये प्लेट होती है, ये देखिए इससे ये इधर नहीं आता, वहीं के वहीं फंसा रहता है। तो देखिए सुपर एक्सल नहीं, देखिए ऐसे पत्ती लगाएंगे इसको बढ़िया से, इससे इससे वो नहीं होता है। और देखिए बनाते रहें वीडियो, बने रहे वीडियो में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये है सुनील, रोड मिस्त्री नहीं भाई, जेन्युइन मिस्त्री है, ये रहा फ्रॉड मिस्त्री, देखते रहे वीडियो में। देखिए टाइट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है फुल टाइट किया जाता, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो ये लगा रहे हैं हम इसको, फिट कर रहे हैं, देखते रहिए। तो ये देख रही है, ये वार्सल होती हैं क्लच सूखे लगने से पहले, पहले ये लगेगा वार्सल, फिर इसके बाद ये कटोरा लगेगा, फिर कटोरे के बीच में भी वार्सल रहेगा, वार्सल देख इसके बीच में वार्सल लगाने के बाद फिर क्लच सू लगाए भाई लोग। तो देखिए ये रही वार्सल, ये देखिए ये ऐसी वार्सलें होती हैं इसकी हल्की मोटी, ये रही फिट हो गई, इसका क्लच सू लगाएंगे। देखो इसका कार्टर को देख के लगाएंगे हम, तो देखते रहिए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए क्लच सू ऐसे बैठता है, चेक कर लें बैठा है कि नहीं बैठा, क्रैंक में हिला है कि नहीं हिला।
तो देखिए नट चढ़ा दिया हमने, देखिए गाइस ऐसा नट होता है इसका। ये तो हम इसको ऐसे टाइट कर रहे हैं, देखते रहिए वीडियो में, इसको हम ऐसे टाइट कर रहे हैं, देखिए। तो देखिए इसका क्लच हमने फिट कर दिया है और इसका हम क्लच टापा लगाएंगे, देखिए सब क्लच हम बैठाएंगे अब ऐसे आराम आराम से, देखिए इसके अंदर 350-350 ml ऑयल डलता है छोटे, देखो देखो अब पेज से टाइट करेंगे, देखिए अब सब काम हो गया। अब इसका हम हेड सिलेंडर बांधेंगे, तो देखिए इसको चेक कर लीजिए फ्री है कि नहीं फ्री है, बैठाते टाइम कुछ कोई दिक्कत हो जाती है इस वजह से फ्री भी नहीं तो चेक कर ले, देखिए। तो बने रहिए वीडियो में, सिलेंडर लगाएंगे हम, रिंगे को आपको बताएंगे सब कुछ। तो देखिए पैकिंग लगा रहे हैं हम सिलेंडर की, देखते रहिए। थ्री बोन लगा के पैकिंग लगाए इसकी। तो देखिए गाइस हम इसका पिस्टन में रिंगे बैठाने जा रहे हैं, तो देखिए ये हेल्पर रिंग होती है, इसे ज़रूर लगाएं, इसे ज़रूर लगाएं। देखिए गाइस तो इसको ऐसे बिठाएंगे बीच में, एक बीच में है ना, हाँ, एकदम बीच में बिठाएंगे, देखिए देख। और एक किधर कौन कौन सी लगती बता दी भाई, तो देख रहे हो इसमें जो कट लगा है कट की साइड आपको बिठाना है, फिर दूसरा रिंग बिठाना है, फिर टॉप टू रिंग आपको देख लो ऐसे बैठाना है, टॉप टू की रिंग ये बीच वाले में, ये बहुत हार्ड होती है तो इसको आराम से बिठाइए, देखिए इससे टूटने का डर रहता है। हेल्पर रिंग लगाने के बाद आपको टॉप टू की रिंग लगानी है, उसी के अंदर ही लगानी है, फिर उसके बाद टॉप ओन, फिर उसके बाद आपको टॉप ओन लगाने, जैसे देख रहे हो आप कट के अंदर ही फिट करना है, इसमें कट दे रखे हैं तो आपको देख लो रिंग ऐसे बिठाना है, इसको बिठान ऐसे ही बिठा के फिर आपको वीडियो में बने रहे फुल जानकारी मिलेगी। तो देखिए और ये पिस्टन को निशान जो कट देख रहे हो नीचे की साइलेंसर की साइड रहेगा, ये नीचे की साइड, और इसके ऊपर हम ऑयल डाल के लगाएंगे, देखिए गाइस तो ये ऐसे ऑयल डाल के लगाएं, इससे ये रहेगा कि इधर उधर भागेंगे नहीं। और तो ये रही सिलेंडर किट, सिलेंडर किट के अंदर पहले लगा के फिट करके तब इसके अंदर हम लगाएंगे, नहीं तो रिंगें इधर उधर वो हो जाएंगे, इस वजह से हम इसके अंदर पहले फिट कर लेंगे थोड़ा। तो आपको पिन पेचकस की सहायता से इसको आपको बैठाना है रिंगों को सिलेंडर के अंदर, पिन पेचकस की सहायता से, देखिए जैसे कि ये देखिए आपको जैसे मैं बिठा रहा हूँ ऐसे आपको बैठाना है पिन पेचकस की सहायता से, तो देखिए आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बने रहे वीडियो में, देखिए तो ये बैठ चुका है, इसी प्रकार बैठेगा ये, फिर इसके बाद हम उसको फिट करेंगे, इस प्रकार इसकी पोजीशन रहेगी, देख लिए लीजिए इस प्रकार से आपको बैठाना है, इस प्रकार से आपकी पोजीशन होनी चाहिए। पिस्टन डालें तो जब भी आप क्रैंक के अंदर पिस्टन डालें तो ये गजल पिन होती है, देखियो ये गजल पिन जरूर लगाएंगे, और इसके अंदर ऑयल लगा के जरूर क्रैंक के अंदर जो फिट करें, इससे हो ये होगा ऑयल लगाने से कि पिन जल्दी बैठ जाएगी और कुछ नहीं। देखिए गजल, इसको गजल पिन कहते हैं, इसको ऐसे सेट करना है। तो देखिए हम इसको सिलेंडर अब फिटिंग करने जा रहे हैं, तो देखिए इसका गजल क्रैंक के अंदर हम बैठा रहे हैं, तो देखते रहिए वीडियो में बने रहे, मैं आपको जितना हो सकता है उतना दिखाऊंगा, देखिए अंदर घुस गया, देखिए तो थोड़ी परेशानी होती है, तो देखते रहिए, ये बैठ चुका है सिलेंडर, देखते रहिए वीडियो बने रहे हैं। ये लगाने पिन ठोकने के बाद आपको ये लॉक लगा देना है, ये जो लॉक होता है इसको लगा देंगे आप, तो देखिए बैठ गया है, ये देखिए इसका कट कहाँ है, ये देखिए इसका कट जो देख रहे हो आप इस प्रकार नीचे रहेगा, कट के हिसाब से मिलाएंगे, जो देख रहे हो आप ये कट जो देख रहे हो इस, ये नीचे की तरफ साइलेंसर की तरफ रहेगा, ऐसे आपको बिठाना है।
गाइस तो इसका हेड तैयार हो गया है, अंधेरा हो गया है, यहाँ शाम हो गई है। तो देखिए इसका हेड, अब इंजन कंप्लीट हो गया इसका। तो मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक करना, चैनल को देना सब्सक्राइब। फुल वीडियो वॉच किए जिसने, कमेंट में ज़रूर बताना जिसने जिसने पूरी वीडियो देखी है। तो देख लो, अब इसका कुछ काम नहीं रहेगा, पूरे इसको टाइट नट बोल्ट होंगे। अब मैं इसको आपको गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगी जब मैं स्टार्ट हो जाएगी, जब मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहे, लाइक करना वीडियो को। देखिए अब इसका इंजन चढ़ा रहे हैं हम, गाना बजा रहे हैं। तो देखिए कितनी गाड़ी स्टार्ट है, लाइक करना वीडियो को, चैनल पर देना सब्सक्राइब, लाइक करके ही जाना गाइस।